नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको कितना पैसा चाहिए? दोस्तों, आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और जरा ये सोचिए कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। उसका आंसर है दोस्तों, आप 10 रुपए से म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं प्रति महीने। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपए में क्या मिलता है? अगर आप एक पानी का बोतल खरीदेंगे तो वो भी 20 रुपए का मिल जाता है। एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का मिलता है दोस्तों। पर आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है दोस्तों कि सिर्फ 10 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। यहाँ पे हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं जिस फंड के बारे में, उसका नाम है दोस्तों नेवी म्यूचुअल फंड। आपने नेवी का नाम जरूर सुना होगा, इसका एड बीच बीच में आता रहता है। नेवी एक ऐसा कंपनी है दोस्तों जो कि पर्सनल लोन या अलग अलग तरह के लोन का ऑफर यहाँ पे प्रोवाइड करता है। लोग लोन लेते हैं और वहाँ पे नेवी में किस्त देते हैं, इस तरह से नेवी का ग्रोथ होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी सिर्फ 10 रुपए प्रति महीने इन्वेस्ट करके नेवी का एक पार्ट बन सकते हैं। पिछले जब से ये शुरू हुआ है दोस्तों, तब से लेके आज तक इसने 11-12% का गारंटेड रिटर्न दिया है। दोस्तों चलिए, आज के इस वीडियो में हम नेवी म्यूचुअल फंड का पूरी तरह से डिटेल एनालाइज करते हैं और ये भी देखते हैं कि आप कितना पैसा निवेश करने से आपको अच्छा खासा फायदा इसमें मिल सकता है। इससे पहले कि हम आज का ये एनालिसिस शुरू करें, हर वीडियो की तरह हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं नेवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप 10 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप 10 रुपये से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने दोस्तों आपको सिर्फ 10 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट करना होता है और आप म्यूचुअल फंड का पार्ट बन सकते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों नेवी की ग्रोथ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पूरा टोटल इसका जो इन्वेस्टमेंट रहा है दोस्तों, इसका जो ग्रोथ रहा है वो 11% में आसपास रहा है दोस्तों। ये फंड शुरू हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जुलाई 2021 को ये शुरू हुआ था। यहाँ पे इसका जो वैल्यू था 10 रुपये था और आज के डेट में दोस्तों इसका जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 12 रुपये हो गया है, यानी कि 10 से 11 रुपए और 11 से 12 रुपए 47 पैसा, यानी कि हर साल इसमें लगभग 10-12% का इसमें ये ग्रोथ दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। बात करते हैं इसकी ग्रोथ की दोस्तों, तो पिछले एक महीने इसका ग्रोथ रहा दोस्तों 0.22%, फिर पिछले 6 महीने में इसका ग्रोथ रहा दोस्तों 11.81%, उसके बाद एक साल में ग्रोथ रहा है दोस्तों 12.26% और ऑल टोटल इसका ग्रोथ रहा है दोस्तों 11.10%। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में ये सब देखा था कि जो भी एक नया म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है उसका वैल्यू 10, 11, 12 रुपए के आसपास होता है, फिर वो बढ़ बढ़ कर 150, 200, 300, 400 तक चला जाता है दोस्तों। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ आप सिर्फ यहाँ पर 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करके इसका शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं मंथली SIP, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली SIP में इसका मिनिमम वैल्यू जो है सिर्फ 10 रुपये है। आप 10 रुपये में इसका शुरू कर सकते हैं। वन टाइम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वन टाइम में भी आप 10 रुपये लॉन्गसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करें इसकी कि लोगों ने यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसका फंड साइज है 861.17 करोड़, यानी कि लोगों ने इसमें 861.17 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट कर लिया है दोस्तों। अब एक बार हम इसका कैलकुलेट करके भी देखते हैं दोस्तों, अगर आप सिर्फ 10 रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना लाभ, कितना फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं SIP कैलकुलेटर पे, यानी कि जो आप मंथली डिपॉजिट करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके कैलकुलेटर पे आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम यहाँ पे 10 रुपये डालते हैं, आप हर महीने 10 रुपये डालते हैं। आपका एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न, अभी हमने देखा था कि जो एक्सपेक्टेड जो एनुअल रिटर्न है 10-12% का रह रहा है, तो हम इसको 10% मान के चलते हैं, आगे ये बढ़ भी सकता है दोस्तों। अगर आप इसी को 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस हिसाब से देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए दोस्तों ये कैलकुलेट करके पूरा वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको
यहाँ पे दोस्तों आपने 1200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है 10 साल में, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 2066 रुपये। अब ये छोटा छोटा अमाउंट आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा दोस्तों, पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप इसको 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब कितना हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप 10-10 रुपये सिर्फ 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया 2400 रुपये, आपको लाभ मिल रहा है 2557 रुपये। उसी तरह से दोस्तों अगर आप इसको 20 के जगह पर 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 30 साल में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने दोस्तों यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है 3600 रुपये, आपको मिल रहा है 22793 रुपये। अब यहाँ पे आपको ये अमाउंट छोटा लग सकता है दोस्तों, पर मान लीजिए यहाँ पे आप ये 10 रुपये के जगह पे दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हर कोई कर सकता है, तब आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हर महीने आप 30 साल के लिए करते हैं 10% रिटर्न के हिसाब से, तो आप देखिए इसका जादू आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा। आपने दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ 36,000 रुपये और आपको मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे रिटर्न दोस्तों 2,28,000 के आसपास मिल रहा है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है हमेशा ये 10% ही रहेगा, अगर हम इसको दोस्तों 12% मान के चलते हैं, जैसे कि आज तक इसका मैक्सिमम रिटर्न 12% दिया है, तो अब देखिए दोस्तों 12% के हिसाब से दोस्तों आपको रिटर्न मिल रहा है लगभग 35 लाख रुपये। तो दोस्तों इस हिसाब से आप 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये से म्यूचुअल फंड स्टार्ट करके अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।